राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को कई राज्यों के राज्यपाल की नई जिम्मेदारियों की घोषणा की, जिनमें से बिहार भी शामिल है। बिहार के नए राज्यपाल होंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ों के शीर्ष नेता फागू चौहान, जबकि बिहार के वर्तमान राज्यपाल लालजी टंडन का तबादला हो चुका है। उन्हें अब मध्य प्रदेश का राज्यपाल बना दिया जाएगा। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक फागू चौहान बिहार के नए राज्यपाल होंगे। इसके साथ ही कहा गया है कि पदभार ग्रहण करने के दिन से उनकी नियुक्ति प्रभावी मानी जाएगी। फागू चौहान का जन्म 1948 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के शेखपुरा में हुआ था। उनके पिता का नाम खरपत्तू चौहान था। उनकी पत्नी का नाम मुहारी देवी है। उन्हें 7 संतानें हैं, जिनमें 3 लड़के और 4 लड़कियां हैं। वो पिछड़ी जाति के चौहान समुदाय से आते हैं। बिहार के नए राज्यपाल फागू चौहान ने केवल कक्षा 10 तक की पढ़ाई की है। पिछड़ी जाति से आने वाले फागू चौहान 6 बार के विधायक हैं। फागू चौहान ने साल 1985 में पहली बार दलित किसान मजदूर पार्टी से घोषी विधानसभा से विधायक बने। इसके बाद वो जनता दल के टिकट पर 1991 में विधायक चुने गए। साल 1996 में फागू बीजेपी में शामिल हुए और वो फिर से विधायक बने। 2002 में भी वो बीजेपी के टिकट पर ही विधायक बने थे। इसके बाद वो बहुजन समाज पार्टी में चले गए और बीएसपी के टिकट पर साल 2007 में घोषी विधानसभा सीट जीती। इस दौरान वो मंत्री भी रहे और बीएसपी की सरकार में बेदाग छवि के साथ राजस्व मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। बाद में वो फिर से बीजेपी में शामिल हो गए और 2017 के चुनाव में फिर से बीजेपी से विधायक बने। 2017 के चुनाव में फागू चौहान ने बीएसपी के अब्बास अंसारी को 7000 से अधिक वोटों से हराया था। उत्तर प्रदेश बीजेपी में पिछड़ी जाति का बड़ा चेहरा होने के कारण उन्हें उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन भी बना दिया गया था। फागू चौहान वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन हैं। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। फागू चौहान राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ व्यवसायी भी हैं। यूपी में उनकी ट्रांसफार्मर फैक्ट्री और कोल स्टोरेज भी है। लंबे राजनीतिक सफर के दौरान विधानसभा सदस्य से सीधे राज्यपाल की कुर्सी तक पहुंचना उनके लिए बड़ी उपलब्धि है। राज्यपाल नियुक्त होने के बाद उनके क्षेत्र के लोगों में भी खुशी की लहर है। बिहार के नए राज्यपाल से इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि वो पिछले राज्यपाल की तरह शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए जो फैसले ले रहे थे वो उसे जारी रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।